नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मधुबनी जिले से निकलकर सामने आ रही है, जहां पूर्व विधायक गुलाब यादव के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। आप तस्वीर हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पूर्व विधायक गुलाब यादव के घर जो है वो ताबड़तोड़ ईडी की छापेमारी चली है। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि वहां मधुबनी आवास में कोई भी परिवार नहीं मिला है। मंगलवार की सुबह ईडी की टीम केंद्रीय पुलिस बल के साथ झंझारपुर के पूर्व विधायक और लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशी रहे गुलाब यादव के गांव लखनौर प्रखंड के गंगारपुर स्थित आवास पर पहुंची है। हालांकि आवास पर कोई भी परिवार मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि ईडी ने गुलाब यादव के पटना और पुणे स्थित ठिकाने पर भी छापेमारी की है। दरअसल आपको बताते चले कि आज सुबह सुबह ही ईडी की टीम झंझारपुर के पूर्व विधायक और लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशी रहे गुलाब यादव के गांव लखनौर प्रखंड के गंगारपुर स्थित गांव पर पहुंची है। केंद्रीय पुलिस फोर्स के साथ जो है ये पहुंची है। और ये भी बताया जा रहा है कि ईडी ने गुलाब यादव के पटना और पुणे स्थित ठिकाने पर भी छापेमारी की है। पूर्व विधायक के आवास के छत पर ईडी के जो है अधिकारी देखते हुए मिले हैं। आप हमारे स्क्रीन पर वो तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। पुलिस बल के साथ जो है वो मौजूद है। गंगारपुर के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी विधान पार्षद अंबिका गुलाब यादव और उनकी बेटी जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब आवास पर नहीं है। घर के केयर टेकर संदीप कुमार है, जो घर के अंदर ही बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बल को लगाकर ईडी टीम ने कुल 12 से 13 लोगों जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। 6 बजे सुबह से ही घर के अंदर चल रही जो है वो छापेमारी है। सुबह पहुंचते ही टीम ने पूर्व विधायक के घर के पहुंचे पथ को सुरक्षा बल ने जाम कर दिया था। बाद में सड़क खोली गई है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर पूर्व विधायक गुलाब यादव से जुड़ी निकलकर सामने आ रही है, मधुबनी जिले से निकलकर सामने आ रही है, जहां सुबह सुबह ही आज मंगलवार को पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चली है। बिहार में लगातार ईडी और सीबीआई के जो है वो छापेमारी चल रही है। एक तरफ जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ऊपर भी जो है लगातार ईडी की तरफ से जो है वो पूछताछ की जा रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में है लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार वाले जो है उनके ऊपर जो है वो शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब बसपा के पूर्व विधायक गुलाब यादव के घर सुबह सुबह ईडी जो है वो पुलिस बल के साथ पहुंची है। 10 से 12 लोग जो है वो पहुंचे हैं। इलाके में जो है वो बंदी लगा दी गई थी, के बाद जो है सड़क को जाम कर दिया गया था। पुलिस ने दल बल के साथ सड़क को खुलवाया है और सुबह से ही लगातार छापेमारी चल रही है। हम आपको तस्वीर अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, सुबह सुबह ही 6 बजे ईडी की टीम अपने पूरे दल बल के साथ पहुंचती है पूर्व विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर और छापेमारी करती है। गुलाब सिंह यादव के परिजन जो है, उनके जो परिवार वाले हैं वो घर पर मौजूद नहीं है। उनकी पत्नी घर पर नहीं है, गुलाब यादव नहीं मौजूद है, उनकी बेटी जो है वो नहीं घर पर है। घर पे सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर जो है वो मौजूद है और उसी से जो है लगातार पूछताछ चल रही है। ईडी की जो है वो सुबह 6 बजे से ही छापेमारी हो रही है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना।